मिस्टर नरेश कुमार हांसी से, नरेश वत्स इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी का युवा हांसी हल्का का युवा का प्रधान भाई नरेश वत्स हांसी। मेरा नाम राजवंत सिंह है जी, मैं डबल हल्का के गांव चोरमर खेड़ा से आया हूं जी। मैं मोहम्मद मुरसलीन, जिला पानीपत हरियाणा, इंडियन नेशनल लोक दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। साहब सिंह अरसीदा से। ये युवा बच्चों के लिए भाई अर्जुन चौटाला और करण चौटाला के लिए बहुत बहुत ये तहसील लेवल पे जिला लेवल की रैली हांसी तहसील में हुई है और ये युवा बच्चों के लिए शाही की रैली के लिए लोग कहते हैं इंडियन नेशनल लोक दल खत्म हो गई, आज हजारों की नहीं लाखों की संख्या में यहाँ लोग पूरे प्रदेश से पहुंचे हैं और भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे। हमारे को बेरोजगार समस्या आ रही है जी और कोई विकास का काम नहीं हो रहा जी, इसी अधिकार के लिए रैली है जी। ये हमें चौटाला साहब बहुत उम्मीद है जी, पिछले 15 साल से रैना का बुरा हाल है जी और हम उम्मीद करते हैं चौटाला साहब आएंगे तो रैना को आगे लेके जाएंगे जी। आज चारों तरफ हरियाणा के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर हर तबका हर वर्ग दुखी है, परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब तबका हो, व्यापारी हो, हर तरह का आदमी हर एतबार से परेशान है। इन्हीं परेशानियों को लेकर और इनके हल को लेकर आज ये जन अधिकार रैली जो है यहाँ हांसी के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर हरियाणा सरकार से खासतौर से और आमतौर से केंद्र सरकार से ये मांग की जाएगी और इसके जरिए एक रोष जताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आज हिंदुस्तान के लोगों ने आपके हाथों में जो सत्ता सौंपी है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सबको बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके एतबार से जो वहाँ सिफारिशें वहाँ लागू करने के लिए कहा गया है वो मांगे और वो जो समर्थन मूल्य है किसान को वो मिलना चाहिए, उसकी आय से दुगनी आय को दुगनी करने का जो सरकार ने वादा किया था और इसी एतबार से चुनाव में जितने वादे किए गए थे 151 वादे किए गए थे वो सारी वादे पूरे होने चाहिए और इसके अलावा और जितनी हिंदुस्तान के लोगों की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को हल करे, तो इसके लिए रैली रखी गई है। इसमें इसकी वजह यह है जो बीजेपी से विधायक बने हैं मिड्डा जी, वो भी पहले हमारे विधायक थे, कुछ वोट तो हमारे उस तरफ रह गए, कुछ हमारी पार्टी को जो पार्टी छोड़ के गए हैं उनकी वजह से हमारी पार्टी का नाम खराब हुआ है, इसलिए हमारे वोट कम आए। नहीं, उपचुनाव को हमें कोई टेंशन नहीं लेते उपचुनाव की जी, जो सरकार का होता है, सरकार का जो प्रशासन है इसका दबाव होता है जी और इलाहाबाद में इनकी सरकार थी हुड्डा साहब की, पिछले भाई साहब अभय सिंह जीते थे और बाद में इनकी सरकार नहीं आई, उपचुनाव में कोई सरकार पर फर्क नहीं पड़ता जी। इंडियन लोज में कम से कम 7 सीटें जीतेगी, मेरे हिसाब से तो 7-8 सीटें हम ले जाएंगे जी। ये रैली साबित कर देगी कि हरियाणा के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल खत्म हो गई, आज की हमारी ये रैली और इसके बाद जो बनने वाला माहौल है, एक हवा बनने वाली है, उससे ये साबित होगा कि इंडियन नेशनल लोक दल जिस तरह पहले मजबूत थी इसी तरह मजबूत है और 10 की 10 सीटों के ऊपर इंडियन नेशनल लोक दल का उम्मीदवार जीत करके आएगा। तो ये है जी, जो सरकार ने काम किया ओम प्रकाश चौटाला साहब ने तो किसान के लिए बहुत वादिया किया है, तो दूसरी बात जो किसान के लिए जो नौकरी दी है बच्चियां को वो हमको बहुत अच्छी लगी है, तीसरी बात ये है छोटे से लेके बड़े तक हम के जितने भी कारा करिए हैं ओम प्रकाश चौटाला के वो नीचे तक गए हैं तो हमारा काम सुनया है। जैसे मान लो हमने किसान की बात कही है, मान लो हमने नौकरी की बात कही है, तो सभी बातें ओम प्रकाश चौटाला साहब की सामने अच्छी लगी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौटाला साहब ने जो किसान का, जो नौकरी का, तो जो हमारी छोटी पीढ़ी है उसका काम किया तो बहुत बढ़िया किया। बुढ़ापा पेंशन उन्होंने बहुत अच्छा बुढ़ापा पेंशन का काम किया, गाँव में खेतों तक कहता हूँ सड़कों को सड़क निकाल दी, गौशालों में बहुत दान दिया है, खिलाड़ियों को भी बहुत सहयोग दिया है। जो देखो
अब जसवंत चौटाला मान लो काम करता है तो वो भी हमको बहुत अच्छा लगता है, उनमें हमारे से नवी पीढ़ी तो नवा जोश है उसमें, तो हमको पूरी उम्मीद है भी ये ओम प्रकाश चौटाला साहब और ये सारा परिवार जो है हमारे लिए अच्छा करेगा, सारे हरियाणा प्रदेश के लिए हम इसे उम्मीद रखते हैं, तो हमको विश्वास भी है, तो पहले से भी हमको इसको विश्वास है। अगर देखो हम विश्वास नहीं तोड़ते तो इसीलिए नहीं तोड़ते, हमको पूरा विश्वास है। इससे आगे जो सरकारें काम करती हैं तो करती हैं, ये हमको अच्छा लगता है, जो पहले भी किया है अब भी किया है तो हम इसका बहुत शुक्रिया है अब चौटाला साहब का, जो हमारे बच्चे नौकरी पे लगाए थे और ऐसे भी उम्मीद करते हैं आगे भी लगेंगे। शुक्रिया। किसानों को बहुत अच्छा भाव मिलेगा, किसानों को हर कोई भी समस्या हो उसका निपटारा का ये करेंगे।
शक्ति शांति हो। आदरणीय चौटाला साहब, छीने जाया करते हैं।
अधिकार छीनने के लिए संगठन को सबसे ज्यादा मजबूत कराने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिल खोल के ये बात कही, आज संख्यात्मक दृष्टि से समूचे राष्ट्र के स्तर पर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत और संगठन के बलबूते पर मैं कह सकता हूँ, ये चुनावी रैली है, लोकसभा के चुनाव किसी समय भी घोषित हो सकते हैं। अभी सरकार सुविधा में है, लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हो या अलग अलग हो, लेकिन ये मान के चलना चाहिए म्याद के मुताबिक लोकसभा के चुनाव मई से पहले पहले यानी अप्रैल के महीने में हर हालत में आपके चुनाव होंगे और आपका ये ठाकुर है वो तो हरियाणा प्रदेश की दरों दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे आपके प्रदेश में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। सरकारें आपने कहीं देखी, मैं उनका चर्चा करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार जनता जनार्दन के हितों की रक्षा कर सके ये उसकी जिम्मेवारी होती है और इसीलिए दुखी और परेशान लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सरकार के पास जाते हैं। लेकिन अतीत में नीला प्रसार करके देखो, जितनी भी सरकारें बनी इस प्रदेश में, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसके पास लोग नहीं जाया करते थे, सरकार लोगों के बीच में आया करती थी और लोगों की जरूरियात पूरी करने का भारत के हाथों प्रबंध कर दिया करते क्योंकि हमारी एक सोच है, हम चौधरी देवीलाल जी के सफल साकार करना चाहते, चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि इस देश के हर नागरिक को उनकी मूलभूत जरूरियात सरकार पूरी करे, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे और जो सरकार ये जिम्मेवारी निभाने में सक्षम ना हो उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे सरकार छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ठगी ठोरी करने वाले, लूट मचाने वाले सरकार की आड़ लेकर के उसके साथ चिपक करके लूट मचाने में यकीन रखते हैं और सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जनतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से इस प्रकार की सरकार का पतन करना अति आवश्यक है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में।